सपा के पूर्व मंत्री आजम खान के विरुद्ध फर्जी दर्ज मुकदमे हूँ वापस। राज्यपाल संबोधन, एक ज्ञापन मंडलायुक्त को सपा कार्यकर्ताओं ने सौंपा। खबर गोंडा जनपद से, जहां पर समाजवादी पार्टी युवा जनसभा के प्रदेश उपाध्यक्ष कमाल खान सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ मंडलायुक्त कार्यालय पहुंचे। सरकार विरोधी नारे लगाते हुए आजम खान को रिहा करो, एक ज्ञापन महामहिम राज्यपाल संबोधन मंडला आयुक्त के प्रतिनिधि प्रशासन अधिकारी को सौंपा। युवजन सभा के प्रदेश उपाध्यक्ष कमाल खान मीडिया से बात करते हैं और बताया कि समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता, लोकसभा रामपुर के सांसद, पूर्व मंत्री पूर्व मोहम्मद आजम खान को उनके लड़के अब्दुल्ला आजम खान के विरुद्ध फर्जी मुकदमे दर्ज हैं। वापस हूँ, जेल से रिहा किया जाए, वर्तमान सरकार के इशारे पर फर्जी मुकदमे दर्ज हैं। पूछताछ के बहाने परेशान किया जा रहा है। सपा सरकार में कैबिनेट मंत्री रहे पूर्व सांसद मोहम्मद आजम खान जौहर यूनिवर्सिटी को लेकर सरकार ने इनके ऊपर कई मुकदमे दर्ज किए हैं। आज वह सीतापुर में जेल में बंद है। भाजपा सरकार बदली भावना के साथ कार्य कर रही है। समाजवादी पार्टी कार्यकर्ताओं में काफी रोष है। प्रदेश के सभी मंडल आयुक्त कार्यालय पर जाकर समाजवादी पार्टी के पदाधिकारी राज्यपाल संबोधित ज्ञापन मंडलायुक्त को दे रहे हैं। उसी तर्ज पर गोंडा में भी आज मंडलायुक्त को ज्ञापन सौंपा। इस मौके पर गोंडा के युवजन सभा, समाजवादी पार्टी के नेता सरफराज हुसैन, सोनू फरीद, अहमद अफजल खान, दिनेश यादव, संजय साहू, आशीष जायसवाल, अरविंद साहू, पिंटू राजेश मौर्य, अन्य पदाधिकारी रहे मौजूद। लाइव टीवी समाचार के लिए गोंडा से राम नारायण जायसवाल की रिपोर्ट। पार्टी से किस बात को लेकर कमिश्नर कार्यालय पर क्या ज्ञापन दिए? मेरा नाम कमाल अहमद खान है। मैं प्रदेश उपाध्यक्ष, पूर्व प्रदेश उपाध्यक्ष युवा सभा रहा हूँ और मैं मानी आजम खान साहब के रिहाई को लेकर के लगातार प्रदेश के सभी जनपदों में मैं ज्ञापन देने का काम कर रहा हूं। और मानी आजम खान साहब जो हमारे नौ बार MLA रहे हैं, 5 बार जो है क्या कहते हैं मंत्री रहे कैबिनेट के, और राष्ट्रीय महासचिव हमारे पार्टी के हैं। लगातार भारतीय जनता पार्टी के द्वारा उन पर सैकड़ों मुकदमे फर्जी तरीके से लगा करके उनको जेल में बंद कर रखा है। ये मुहिम समाजवादी पार्टी लगातार लड़ रही है आजम खान साहब को रिहाई को लेकर के। और अभी देखिए, हाल ही में क्या कहते हैं जो है जेल में हमारे मानी आजम खान साहब हैं और कोर्ट ने आदेश भी किया कि उनको 4 हफ्ते में बाहर रिहा किया जाए, लेकिन उसके बावजूद भी क्षुब्ध सरकार है भारतीय जनता पार्टी की, तो उसके बावजूद भी जेल में EDCBI भेज करके तमाम बयान लेना, तमाम परेशान करना, इससे काफ़ी आहत है और मैं इसकी कड़ी निंदा करता हूँ। और समाजवादी पार्टी इसकी लगातार लड़ाई लड़ रही, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी लगातार इसके लड़ाई लड़ रहे हैं मानी आजम खान साहब को लेकर के, और उस जब तक आजम खान साहब को रिहा नहीं किया जाएगा समाजवादी पार्टी लड़ती रहेगी। इसी तरीके से तमाम मंडलों में जाकर के हम लोग ज्ञापन देने का काम करेंगे और आजम खान साहब को जब तक सरकार नहीं रिहा करेगी तब तक हम लोग इस लड़ाई को लगातार जारी रखेंगे। तो आज आप ज्ञापन किसको दिए हैं? ज्ञापन हमने मंडल आयुक्त गोंडा को दिया है, उनके प्रशासनिक अधिकारी आकर के ज्ञापन भी लिए हैं और उसमें केवल एक ही मुद्दा है कि आजम खान साहब को रिहा करें और अब्दुल्ला आजम खान साहब को जो फर्जी मुकदमे लगाए गए वापस लें। खबरों की दुनिया में फिलहाल इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। हर छोटी बड़ी खबर के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल लाइव टीवी समाचार के लिए। लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ताजा अपडेट के लिए दबाना ना भूलें बेल आइकन। नमस्कार।